अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट। मैं हूं मोहम्मद अवैस। और सबसे आज हम पूछेंगे कि इंसान को एक ही जैसे ख्वाब क्यों आती है और इसकी क्या वजह है, इसकी क्या हकीकत है। डिटेल हम शेफ साहब से पूछेंगे। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इस बात को इरशाद फरमाते हैं कि इज़ क़ाला यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद आशर कौकबा, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि बार बार एक ही ख्वाब। अच्छा, अब बात थोड़ी सी गौर से समझने वाली है। एक ख्वाब है वो अच्छा आता है बार बार, एक ख्वाब है वो बार बार बुरा आता है। एक औरत ख्वाब में देखती है कि मेरे पाँव से जूता उतर गया, वो ख्वाब बार बार आता है। एक वक्त आएगा उस औरत को तलाक हो जाएगी, उसने दोबारा शादी की, दोबारा फिर वो ख्वाब शुरू हो गया, फिर उसको तलाक हो जाएगी। इसी तरह अगर उसको दोबारा ख्वाब आने अच्छे शुरू हो गए, जो एक ख्वाब बार बार आ रहा था वो बार बार नहीं आ पा रहा, अब अच्छे आने शुरू, तो आगे वाली ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। एक शख्स है, उसे एक ही ख्वाब आ रहा है लेकिन वो है अच्छा, तो अल्लाह ताला ख्वाब देखना पड़ेगा। वो बिजनेस से अटैच है, शादी से है, किस चीज़ से है, तो उसको शायद समझ ना आए। एक मुअब्बर शख्स बताएगा कि तेरे ये किस लिहाज से तेरे लिए बेहतर है, उसकी लाजमी तबीर ले वो, ताकि इधर से तबीर निकले और उसका काम हो जाए, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो लोगों के मसाइल हमने देखे हैं कि एक शख्स को बार बार ये ख्वाब आ रहा है कि मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया, वो कह रहा है कि तकरीबन 10 साल ख्वाब आया ये एक ही, और ऐसे ही हुआ कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वो कहते हैं कि मुझे अच्छा पानी नज़र आता है, अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको ये दोबारा बेहतर कर देगा। तो एक ख्वाब बार बार आना बंदे को इशारा देता है। अब यहाँ आपका अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी, तो ये बार बार जो ख्वाब आते हैं इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसलन के एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा ख्वाब आते हैं, लोगों को ख्वाब आते रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मसलन के बार बार। यानी आपके कहने का मतलब है भी बुरा ख्वाब बार बार जो आ रहा है तो अब इसका हाल क्या करना है? जी, तो इसके अंदर ये है कि जब एक बुरा ख्वाब बार बार उसे आता है, सोचने की बात है भी अब वो करेगा भी, यानी नुकसान से बचना चाह रहा है, ख्वाब को सबसे पहले ज़ाया करे। ख्वाब ज़ाया करे, बाएं जाना 3 बार थूके, 1 बार औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जी पढ़े, सदका दे, 2 रकत नमाज पढ़े, ख्वाब किसी को बताए ना, और अल्लाह ताला से उसके शर से दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझे इसके शर से बचा। एक ये है, एक ये है कि उसकी ताबीर ले ले कि जी मुझे ताबीर दे दें इसकी। अच्छा, ताबीर आ गई, जब मुअब्बर ताबीर देगा ख्वाब वकूअ पज़ीर हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बादशाह ने मांग ही ली जी मुझे ताबीर दो, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा जी कहत आ जाने, नुकसान वाला ख्वाब है ना। तो अब क्या करना है, अब ये है कि ताबीर ले ली, वो किस हिसाब का ख्वाब था, जी शादी से रिलेटेड है, जॉब से है, यानी नुकसान की तरफ जा रहा है, तो ताबीर है जी नुकसान हो जाए, नुकसान किस किस्म का, अब तदबीर इख्तियार करें पहले, तो इंशाल्लाह ताला इंसान को वो ख्वाब ज़र्र नहीं दे सकता, नुकसान नहीं बुझा सकता। अगर नुकसान आएगा तो वो उससे पहले उसका लाहे अमल, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सिट्टे समेत गंदम को ज़मीन में जमा कर लिया, तो कहर जब फैला तो उस वक़्त वो दाने निकाल के तो उस वक़्त लोगों को खिलाए और बहुत बड़ी इंसानियत को बचा लिया। तो ये इसका तरीक़ाकार है हिफाजत का, और बार बार ख्वाब क्यों आता है ये इशारा है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे।